एक बार फिर से कैसे हैं आप, चलिए आपका वेलकम कर लेते हैं। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने कान। इस हफ्ते मैं आने की आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से लेके आया आपके लिए बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरें, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो इस हफ्ते अनुराग कश्यप के बाद आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और बाकी एक्ट्रेस भी ऐ दिल है मुश्किल के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। अनुराग कश्यप ने हमारे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगने को कहा है। आलिया भट्ट को ऐ दिल है मुश्किल में कौन सा रोल मिला है? एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी का क्या रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? सैफ अली खान छुट्टी लेने वाले हैं। एक्टर इरफान खान का कहना है कि इट्स ग्रेट फीलिंग टू रिप्रेजेंट इंडिया ग्लोबली। लखनऊ की शान में चार चांद लगा देने वाले एक्टर लखनऊ के नवाब अली फजल को बिलेटेड वाला ही सही, लेकिन हैप्पी बर्थडे। एक एक करके पूरी न्यूज बताऊंगा, बस इसे गाने के बाद एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेली।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं सपनों को बॉलीवुड ब्लास्ट में। तो चलिए एक एक करके पूरी न्यूज से पर्दा हटाता हूँ। अनुराग कश्यप के बाद अब आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और भी कई बॉलीवुड के एक्ट्रेस ए दिल है मुश्किल मूवी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। एक्चुअली करण जौहर की ए दिल है मुश्किल मूवी को रिलीज से रोक दिया गया है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्टर है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैव पेटेड फॉर द रिलीज ऑफ ए दिल है मुश्किल। आगे और भी कई न्यूज बाकी हैं। टिल देन एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। International players, you already done know we back at it. Gasso, Joshy, Bunzi Mac, turn up. Casey's out, we in the building. Montreal to Brisbane, shout out to my dancers across the world. Versace, who would she devour through these shades? Besides me, perhaps me. Hit the stores and end this day nicely. Pricey, no, not as long as you entice me. Arches on the pair, cause your shades is rare. A big engine attached to a set of these wares. Talk to me, tell me how your fantasy feels. I make a whole day look like we in Beverly Hills. Silhouette to make me backflip. The star of the show when she walks by a Adler. Back is magnet to those that wanna test the baddest. Relieve me from the pressure of the world. Call me Atlas. Louis V, Chanel, Versace. Don't mean to be rude, but baby girl, get at me. Since I'm by the air, I should have been in your top three. From Mount Real to Brisbane, they calling me Poppy. Yeah.
to you by the hit makers. Gasso, Joshy, Julius, Bun Z Mac. All my Desi's, put your shades on. Signing out. Well, एक बार फिर से वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। अनुराग कश्यप ने ट्विटर का सहारा लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ट्वीट करके कहा और एक सवाल पूछ डाला कि सर आपने अभी तक सॉरी नहीं कहा जो ट्रिप आपने पाकिस्तान के लिए की थी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। इसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई और भी कई सवाल उन्होंने पूछ डाले। तो चलिए देखते हैं कि ये बात आगे जाके कहाँ पे खत्म होती है। वेल, आपके लिए आगे गाना आने वाला है, एंजॉय द ट्रैक और आगे कुछ और न्यूज़ टू देन। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सज के निकले कदी खिड़दे ने फुल बागा च वेख तेरी हसी बोरे घर दे में कमले जे तू सज के निकले कदी एहसान फेर यह कर दो मैडम जी सालता कर दो बंजर दिल दी ये धरती हस के जान जही पर दो बन जावा तेरा रेडियो सुन ली जद जी करे बन जाम तेरा रेडियो ओ सैड जे तू होवे बन जाम तेरा रेडियो ओ सुन ली जद जी करे बन जाम तेरा रेडियो ओ सैड जे तू होवे इश्क न जड़ा दस दे सतोदा तेनू फिक्र केड़ा तेरे मुख ते इश्क न जड़ा
ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਸੁਣ ਲਈ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਓ ਸੈਡ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਓ ਸੁਣ ਲਈ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਓ ਸੈਡ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਬਸ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਸ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਚੌਕਲੇਟਸ ਤੇ ਫਲਾਰਸ ਦੱਸ ਦੇ ਗਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਟਕਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਂਡ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ on demand radio oh sun li jab ji kare ban ja ma tera radio oh sad je tu hove ban ja ma tera radio oh sun li jab ji kare ban ja ma tera radio oh sad je tu hove radio oh oh radio tera radio Welcome back to Radio Udaan. Urta Punjab actress Alia Bhatt to play a DJ in Aye Dil Hai Mushkil. जब आलिया भट्ट से उनके इस रोल के बारे में पूछा गया तो आलिया ने बताया कि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था करण जौहर की मूवी में डीजे का रोल प्ले करके। ये आलिया का सेकंड टाइम है कि वो करण जौहर की मूवी में काम कर रही हैं। आगे बात करते हैं कि क्या रहा महेंद्र सिंह धोनी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। टिल देन एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। सुकून का जजीरा मिल न पाए वे की करा वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे वे की करा वे की करा राजा के पार बुलिया परवर दिगार बुलिया हाफिज तेरा राजा तैयार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया परवर दिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं मैं ता हूं पगडंडी लबदी है जो राह जन्नत की तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं कमियां तराश के मैं काबिल होना
ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜਣ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁਲਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਬੁਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋ ਯਾਰ ਬੁਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਕਮਲੇ ਸਰਹੱਦ ਕੇ ਪਾਰ डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Mysterious ways. One day you
cried, one love. For the times we cried, one love. Gotta stay alive. Oh, I will survive. One love. For the city streets, one love. One love. For the hip hop beats, one love. One love. Oh, I do believe one love is all we need. One love. For the mother's pride, one love. For the times we cried, one love. Gotta stay alive. Oh, yeah. I will survive. One love. One love. For the city streets, one love. One love. For the hip hop beats, one love. Oh, I do believe one love is all we need. एक बार फिर से वेलकम बैक टू बॉलीवुड ब्लास्ट। आप चाहो तो मेरे को फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को सर्च कर सकते हो आरसी बी स्वप्निल के नाम से। एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक की बात करें तो टोटल 204 करोड़ कमाए ग्लोबली। महेंद्र सिंह धोनी मूवी ने इंडिया में 175.7 करोड़ कमाए। सैफ अली खान वॉन्टेड टू टेक पेटर्निटी लीव ड्यूरिंग हिज वाइफ करीना कपूर्स डिलीवरी। डैशिंग एक्टर इज करेंटली बिजी फॉर हिज अपकमिंग फिल्म शेफ इन कोची। सैफ इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू रैप द फिल्म बिफोर दिसंबर एज ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद करीना कपूर खान। आगे कुछ और न्यूज, स्टोनन एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 0987170146। धन्यवाद। खब मेरे आधी खाली तरकश हो गई। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। क्या खूब सिखाया वा मैनू तू जीना, जिंदा भी रहना ते जहर भी पीना। क्या खूब सिखाया वा मैनू तू जीना,
जिंदा भी रहना ते जहर भी पीना दिल ते जखम दे के मैनू के हाथों रोना भी नहीं ते जखम भी नहीं सीना एक सा लैण मगरों मैं दो दो हो के लवा पीड़ा मेरिया दीवी ता बस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई ਕੀਤਾ ਏ ਦਾਗਾ
दे जा ते साड़ी परवा ना करी तू जरा जानी जा जानी जा जानी जा अज बाने गैर की बनी बाने गैर की बनी तेरा चंद रस रहे अज हो गया गरीब नी लगदा तू कीता जखदा ते साडी फरवा ना करी वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voicefor blind voiceforblind@gmail.com मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंस अगेन वेलकम बैक टू बॉलीवुड ब्लास्ट। थ्री इडियट मूवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर अली फजल को बिलेटेड वाला ही सही, लेकिन हमारी पूरी उड़ान टीम की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। और एक लखनऊ का बाशिंदा होने के नाते मेरी तरफ से भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अली फजल इज एट प्रेजेंट शूटिंग फॉर हिज फिल्म विद जूडी डेंच इन लंदन। दून कॉलेज के स्टूडेंट अली फजल स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे और एक बहुत ही अच्छे एथलीट भी थे। स्पोर्ट्स की और बात करें तो उन्होंने स्टेट लेवल पे बास्केटबॉल भी खेला है। आगे कुछ और बात है, टिल देन एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। रात भर जाए ना घर जाए ना घर
रात भर जाए ना घर मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला जिसकी की मेन पर्पस है सेफ मोबिलिटी देना। घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। वाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज़ है बिना टच ये ऑब्स्टिकल का पता लगे। ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ लें अगर इसके वाइब्रेशन पैटर्न से हमें क्या बता रहे हैं तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहेंस कर देंगे।
जिस पल में नजर तू ना आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। मैंने जिसे चाहा ही नहीं वो शख्स क्यों अच्छा लगता है, क्यों हर लम्हा उसकी तमन्ना दिल ये हर दम करता है। उलझन को कैसे भला सुलझाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। तू ना मिले जिस रोज वो दिन कब आसानी से कटता है, दिल का धड़क सांस का चलना एक सजा सा लगता है, दिल ही जाने बगैर तेरे हम कैसे जी पाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, ओ मर जाए। Well, once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। एक्टर टाइगर श्रॉफ का कहना है that Hrithik Roshan is the only complete package in Bollywood. टाइगर का कहना है कि वो बचपन से ही ऋतिक को फॉलो करते आ रहे हैं और उनको कॉपी भी, वो उनके स्टेप्स को बचपन से ही कॉपी करते हैं। इसीलिए आज जब ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के हम डांस को देखते हैं तो उसमें काफी सिमिलैरिटीज दिखती हैं। बल में आने के आपका दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। मैं आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस का तहे दिल से वेट कर रहा हूं। आप चाहो तो मेरे को फेसबुक पे सर्च कर सकते हो RJB स्वप्निल के नाम से, और नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी अपने कमेंट्स और अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 760777748। टिल देन एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।